नमस्कार दोस्तों, लगातार हम डेरा सच्चा सौदा की यूथ लड़कियों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच, क्या कारण है उनका आत्मीय विश्वास है अपने गुरुजी के प्रति, करते हैं लाइव बातचीत। नमस्कार मैम, आपका नाम? राशि। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? मैं बचपन से ही, आज मेरी 25 साल उम्र है, तो ऐसे समझो बचपन से ही पेरेंट्स ने यहीं लेके आए तो हम यहीं से हैं। मैम, आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी कुछ आपने देखा होगा, काफ़ी नज़दीक से गुरुजी को देखा होगा, काफ़ी जानकारी होगी आपको डेरे के बारे में, तो बताइए किस तरह की सेफ्टी, किस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ लड़कियों को, स्पेशली महिलाओं को दिया जाता है? वहाँ पे अलग, मतलब पहली बात तो हम जाते हैं, कहीं भी जाएं हम, लड़का और लड़की इकट्ठे बिठा देते हैं, इकट्ठे उनका खाना पीना सब सेफ्टी देख के, कि मतलब लेडीज़ को एक अलग जगह है और जेंट्स के लिए एक अलग जगह है। बिठाना सबसे पहले तो यही होता है कि कोई किसी के साथ कोई भी ऐसा कोई गलत बात होने की तो कोई चांसेस ही नहीं है। जाते ही महिलाओं का अलग गेट है और जैसे जेंट्स का अलग गेट है, तो अलग अलग उनको, और सेफ्टी की तो बस वहीं, वहाँ पे लड़कियाँ वहाँ पे रह रही हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जिनको पिताजी ने पाला है, वो तो बाहर की दुनिया तो कुछ मर्जी कहे, जितने लोग हैं अलग अलग बातें करेंगी, लेकिन बात है बच्चे वहाँ छोटे छोटे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनको पिताजी ने पाला है, तो वो सच तो उनसे अलावा कौन बता सकता है। आज भी आपका इतना विश्वास है गुरुजी के प्रति, इसका क्या कारण है? बस वो कहते हैं ना कि लोग तो बहुत बातें करते हैं, कि जैसे लोग कहते हैं कि लोग भेड़ चाल में है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे रिश्तेदार भी हैं, अगर कोई भी एक जन है कि अपने पीछे किसी एक को भी लगा के दिखा दे, मैं अगर, मेरे पास आज गरीबी है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे अगर मेरे घर वाले ही, रिश्तेदार ही आ जाए ना, तो मैं मान जाऊँ, लेकिन गुरु जी, मतलब पिताजी इतने टाइम से, जब ठीक है उनके पास थे, हमारे साथ यहाँ पे सिरसा में थे, वो तब भी दुनिया उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन अगर देखना चाहे तो आज भी लोग देखें कि कितनी दुनिया आज भी उनके साथ है, और हमारे लिए तो ऐसे मानो कि पिताजी का यहाँ डेरा था, वैसे ही हमारे लिए तो रोहतक में भी डेरा है, वो देह रूप में पहले हम रोज़ मिल लेते थे, अब बस अंदर तो हमारे पिताजी हैं। क्या गुरुजी को समाज में होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। क्या किया है गुरुजी ने समाज के लिए? समाज के लिए तो सफाई अभियान चलाए हैं पिताजी ने, ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। आजकल लोगों को घर की सफाई नहीं लोगों से होती, काम वाली रखते हैं या जो भी है, वो उनके अलग से मैटर है, लेकिन पिताजी ने जो उनके सेवादारों से करवाया, कितना हम कोई भी कहीं भी सफाई अभियान होए, लोग अपने घर की सफाई ना करें लेकिन दूसरे घर के जाके सफाई कर करके आते हैं लोग, इतना मतलब पिताजी ने हमें प्रेरणा दी है, हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं, कहीं भी जाए ना हमें दिखे कि यहाँ कुछ गिरा हुआ है, यहाँ पे कुछ गंद है या कुछ भी है, मतलब अंदर से हमारी भावना आती है कि हम अपने आप ही पिताजी के। गुरुजी समाज में नहीं है, इसका क्या इफेक्ट समाज पे पड़ रहा है? वैसे उनके जो प्रेमियों पर है, प्रेमी तो वैसे ही सेवा करते रहेंगे जैसे करते थे, देह रूप में हम सोचे हमसे थोड़े से दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिताजी हमारे पास नहीं है, ये अपनी अपनी भावना है, जिसने जो अच्छा काम करना है वो करते रहेंगे, बाकी हम चाहते हैं पिताजी हमारे साथ हो, जैसे बच्चों को रोज़ पेरेंट्स जो होते हैं, हम रोज़ रात को जाते हैं घर अपने काम से, तो पेरेंट्स की एक डांट सुनते हैं, करते हैं, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं पिताजी हों, हमें प्यार करें, हम कोई अच्छा काम करें, हमारी तारीफ करें, हमें डांटें, हमें सब कुछ करें, तो हमारे माँ बाप के समान है वो हमारे पिता। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? लोगों तक मैं यही संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि झूठी खबरों को नज़रअंदाज करते हुए आप पहले सच जानें, कि मीडिया जो भी है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप खुद एक बार आके डेरे में देखें कि तब तो पिताजी थे, अब नहीं है, अब आके देख लो एक बार, अगर आपको ज़्यादा ही था तो अब आकर देखो कि कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे सब कुछ होता है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील करेंगे, उनका जो डिसीजन है, जैसे हमारे पिताजी ने चिट्ठी में भी लिखा कि जैसा हुक्म होगा, और वैसे ही मतलब सरकार के कभी नियमों की उल्लंघना नहीं की, उनके नियमों के अकॉर्डिंग चलते रहे हैं, जो सरकार को मंजूर होगा, बाकी हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द हमारे बीच आ जाए। जी मैम, धन्यवाद। आपने देखा डेरा सच्चा सौदा की एक यूथ लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि गुरुजी ने कितने मानव का भलाई के कार्य समाज के लिए किए हैं, क्या ऐसे गुरु को समाज में होना चाहिए या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी ही सच्ची खबरें देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।